Today's topic is addition and subtraction involving negative numbers. My name is Aziza Ahmed. So let's start today's class. Let me give you a little bit revision that how you add and subtract a positive number. For example, you have example of first 5 minus. What does this subtraction means? It means number 5 say negative 2 को ख़त्म कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को रिमूव कर देना। तो नंबर 5 से नंबर 2 को क्या कर देना है? रिमूव। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 5 सर्कल हैं और इसमें से 2 सर्कल को रिमूव कर देना है, तो रिमेनिंग सर्कल कितने बचे आपके पास? 3। ओके, अब हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करें तो क्या कर सकते हैं। व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर वी गेट मोर। जब हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमें और ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर इज़ 2 सर्कल्स, ओके। व्हेन वी ऐड मोर 3 सर्कल्स इट बिकम्स 5, ओके। सो आंसर इज़ 5। So we can say that when we add a positive number, we get more. Therefore, when we add a negative number, we must get less. Okay. No sign means a number is positive. For example, if here is a number 4, agar plus ka sign nahi hai, to it means ye number kiska hai? Positive hai. Humne pichli classes mein numbers ko dekhe the, wo numbers jo 0 ke right side pe the, they were positive. उनके साथ हमने प्लस का साइन नहीं लगाया था, इस तरह करके नहीं लगाया था, सिंपल 1 लिखा था एंड सो ऑन। एंड द नंबर विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, वो नंबर्स कौन से थे? नेगेटिव नंबर थे। और उसके साथ हमने किसका साइन लगाया था? माइनस का साइन लगाया था। बट पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम प्लस का साइन नहीं लगाते। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो इट मीन वो नंबर किसका है? प्लस, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जैसे 5, जैसे 6, कोई भी नंबर ले लें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन विच इन्वॉल्व नेगेटिव नंबर्स, कि अगर नेगेटिव नंबर्स होंगे तो फिर हम किस तरह उनको ऐड अप करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर 1 है, नेगेटिव 1 है, ठीक है। नंबर लाइन के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव 1 है, ये रहा नेगेटिव 1। इसमें कितने ऐड करने हैं? ऐड का क्या मतलब होता है? ऐड का मतलब होता है कि जमा कर लेना। नेगेटिव 1 में हमें कितने ऐड करने हैं? नेगेटिव 2। तो नेगेटिव 1 में हमने ऐड करने हैं नेगेटिव 2। यहाँ तक 2 को काउंट कर लिया हमने, तो कितने बन गए? नेगेटिव 3। ओके, नेगेटिव के नंबर्स थे तो आंसर भी किस में आ गया हमारे पास? नेगेटिव में। हालांकि किया हमने ऐड है। अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर गिवन है, उनमें हमें क्या करना है? उसे सब्ट्रैक्ट करना है। पहला नंबर कौन सा है? पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव नंबर। इसमें हमें क्या करना है? माइनस कर देना है नेगेटिव 3 को, ओके। बट बिफोर दैट मैं आपको बताती चलूं कि हम सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नंबर्स के साथ कैसे कर रहे थे। हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन इस तरह करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ 0, यहाँ नेगेटिव 1, नेगेटिव पॉजिटिव 1, 2, देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस साइन, ठीक है। 1, 2, अगर मुझे नंबर 1 में से नंबर 2 में से 1 को माइनस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 में से 1 को माइनस करना है, तो मैं क्या करती हूँ? बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के हम बैकवर्ड में जाते हैं क्योंकि हमें रिमूव करना होता है। तो नंबर 2 से जब मैंने 1 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 2 - 1 = 1। नंबर लाइन भी हमें क्या बता रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 1, ओके। बट जब आप नेगेटिव नंबर्स में सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो आप बैकवर्ड नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड जाएंगे, यानी आगे की तरफ जाएंगे। सो ये 2 है हमारे पास, इसमें कितने माइनस करने थे? 3 माइनस करने हैं। बट क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे। 1, 2, 3, क्या नंबर आया? नंबर 5।
ओके सो इट्स मीन जब आप 2 से माइनस करेंगे नेगेटिव 3 को तो आंसर क्या आएगा आपके पास 5। हमने नंबर लाइन में देखा कि जब नेगेटिव नंबर हो तो सब्ट्रैक्शन बैकवर्ड की तरफ नहीं जाता बल्कि आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड जा रहा होता है, ठीक है। सो हमें सारे क्वेश्चन इस तरह से नहीं करने, नंबर लाइन जस्ट आपको समझाने के लिए कहा था कि व्हाट डज इट रियली मींस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जब आप नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे जाकर कुछ रूल्स बताऊंगी जिन रूल्स को आप फॉलो करेंगे और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव नंबर्स को, वो ज़्यादा इजी और विद इन सेकेंड्स होने वाला काम है, ठीक है। और वो रूल्स भी आपको जब आप ये वीडियो देख लेंगे और प्रैक्टिकली जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उनको उनको करेंगे तो ये रूल्स भी आपको याद हो जाएंगे। सो रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है ओके और उसके साथ नंबर नेगेटिव है यानी प्लस 2 और माइनस 1 कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है तो इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है ये मैं आपको बताती हूँ। प्लस माइनस माइनस, अगर कोई दो नंबर आपके पास ऐसे आ जाएं जो कि अपोजिट साइन के हो यानी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो आप उनको इस तरह पढ़ेंगे प्लस माइनस माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन दो नंबर्स को क्या करना है माइनस करना है यानी 2 में से 1 को रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर कोई नंबर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो फॉर एग्जांपल नेगेटिव 2 एंड प्लस 1 तो अब आप क्या करेंगे, सेम आप अब भी यही करेंगे माइनस प्लस माइनस, क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 में से कितने को निकाल देंगे 1 को माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1। एक साथ जब दो अपोजिट साइन आ रहे हों तो आपने अल्टीमेटली उसे क्या करना है उन दो टर्म्स को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देन द थर्ड पार्ट इज जब दोनों नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हों फॉर एग्जांपल नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 1 तो आप क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 को प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा और दोनों नेगेटिव नंबर्स थे जिनका हम मैथ ऑपरेशन कर रहे थे तो आंसर भी किस में आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हों फॉर एग्जांपल प्लस 1 प्लस 2 तो उन्हें आप क्या करेंगे प्लस ही करेंगे, सेम साइन विल ऑलवेज ऐड एंड डिफरेंट साइन और अपोजिट साइन विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। अब हमारे पास एक और कन्फ्यूजन यहाँ यह आती है कि आंसर में किसका साइन दें, प्लस का साइन दें या माइनस का साइन दें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं नंबर लिखती हूँ माइनस 2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 को माइनस किया 1 आएगा, मगर अब कैसे पता चले कि इसके साथ प्लस का साइन आना चाहिए या माइनस का आंसर में साइन आना चाहिए। तो इसको इसके लिए आप एक छोटी सी बात याद रखें और वो ये कि जब भी बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जिस टर्म की बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस नंबर का साइन आप आंसर में लिखेंगे। तो उसमें से बिग न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, 2 की है या 1 की, डेफिनेटली 2, ठीक है। तो उसके साथ किसका साइन है माइनस का, तो आंसर में भी किसका साइन आएगा माइनस का, हमारे पास आंसर में साइन आ गया नेगेटिव 1। ओके जो नंबर बड़ा होगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसका साइन हम ऐड कर देंगे आंसर में। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2B ऑन पेज नंबर 36। हम इस क्वेश्चन में ए से लेकर एफ तक के पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है 6 प्लस नेगेटिव 2। तो रूल्स क्या कहते थे इसको, छोटे से रूल्स को हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि याद रहें और बाद में जब आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे और असाइनमेंट का कर लेंगे फिर आपको रूल्स लिखने की नीड नहीं होगी, आपको खुद ही याद हो चुके होंगे, ट्रस्ट मी। ये हमारे पास रूल्स थे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, सेम साइन प्लस होते हैं और अपोजिट साइन माइनस हो जाते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है 6 प्लस नेगेटिव 2 यानी कि यहाँ देखें कितने साइन है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है प्लस और माइनस वाली, तो प्लस और माइनस को क्या करना है हमें माइनस करना है।
प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। और क्लास हमेशा जब भी ब्रेकेट होगी आप पहले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रेकेट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, जब ब्रेकेट ओपन हो जाएगी तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पार्ट बी की तरफ आते हैं। माइनस फाइव प्लस एट, यहाँ कोई ब्रेकेट नहीं है तो मैं इसे मजीद किसी स्टेप में नहीं करूँगी। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, फाइव में से एट को निकाल दिया, थ्री आ गया। आंसर में देखें किसका साइन आ रहा है, आंसर में साइन आएगा बिगर नंबर का, बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो उसमें से कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू बिग है? एट है, तो एट के साथ किसका साइन है? प्लस का था, तो आंसर भी प्लस का आया। इफ़ यू वॉन्ट टू एड अ प्लस साइन यू मे एड, बट अगर कोई इंटीजर के साथ कोई साइन नहीं है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट सी में फोर प्लस नेगेटिव टेन, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखें यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी है प्लस माइनस माइनस। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए साइन को ही मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस, फोर में से टेन को रिमूव करेंगे, क्या आएगा? सिक्स आएगा। कौन सा आया इस नंबर के साथ? बिग न्यूमेरिकल वैल्यू का, टेन बड़ा नंबर है, तो टेन के साथ माइनस का साइन था, तो आंसर में भी माइनस का आ गया। पार्ट डी, पार्ट डी इज नेगेटिव वन एट प्लस है, देन नेगेटिव सेवन है। तो सबसे पहले हम किसको ओपन करेंगे? सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को ओपन करने का क्या रूल है? साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस को और माइनस को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब दो नंबर आ गए, दोनों नेगेटिव हैं, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव का रूल बताया हुआ था। तो यहाँ मैंने नेगेटिव का रूल बताया हुआ था कि जब भी दो सेम साइन हो तो वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, सेवन में वन को प्लस करें तो एट आ जाएगा। दोनों नंबर ही नेगेटिव थे तो आंसर भी किस में आया? माइनस में आ गया। अब पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई में है नाइन प्लस नेगेटिव थ्री। अब हमारे पास कौन सा वाला, ये हमारा रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस ये वाला फर्स्ट। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यही है प्लस माइनस माइनस होगा। पहले ब्रैकेट को ओपन करें, प्लस माइनस माइनस, नाइन में से थ्री को निकालें, कितने रिमेनिंग आ जाएंगे? सिक्स। बिगर नंबर कौन सा है? नाइन है, नाइन पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आया। अब पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। पार्ट एफ में है हमारे पास नेगेटिव इलेवन प्लस नेगेटिव फाइव। फर्स्ट ओपन करेंगे ब्रैकेट को, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों नंबर किसके आ गए? नेगेटिव के आ गए, माइनस माइनस प्लस, 11 में 5 को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 16, और दोनों नंबर नेगेटिव थे तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हम, हमारे पास पार्ट्स जो हैं वो हम ए से लेकर एफ तक के पार्ट्स को करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट ए। रूल्स मैं दोबारा लिख लेती हूँ, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस। ठीक है, सो हमारे पास क्या है? सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। अब और कोई तो इसके साथ नंबर गिवन नहीं है, जस्ट ब्रैकेट को ओपन किया और हमने क्या दे दिया? आंसर। पार्ट बी, पार्ट बी में पहले हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट में दो, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस, ओके, फाइव प्लस थ्री एट। पार्ट सी, पार्ट सी में दोनों नंबर अगेन किसके हैं? नेगेटिव हैं। नेगेटिव नंबर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, माइनस फोर माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस सेवन इलेवन, बड़े नंबर का साइन आएगा, तो सेवन अ बिग नंबर, आप उसका साइन आंसर में पुट कर दें, और वैसे भी दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर भी किस में आ गया? नेगेटिव आ गया। अब पार्ट डी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट डी में हमारे पास है नेगेटिव एट माइनस नेगेटिव टू। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव एट और प्लस टू आ गए, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं? अल्टीमेटली माइनस होते हैं। माइनस प्लस माइनस, एट में से टू को माइनस किया, आंसर आया सिक्स। जो बिग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका साइन आएगा, एट और टू में से बिग न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है? एट की है। एट के साथ किसका साइन है? माइनस का है, तो आंसर में भी किसका साइन आ गया? माइनस का, विच इज़ नेगेटिव सिक्स।
अब हमारे पास थर्ड है, थर्ड में आप देख रहे हैं ई पार्ट, बल्कि ई पार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं तीन थ्री टाइम्स माइनस का साइन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ओपन करेंगे हम अपनी ब्रैकेट को, माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस के दो साइन आ गए, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। टेन में से वन को रिमूव करें तो क्या आंसर आ जाएगा? नाइन। जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आप आंसर में देंगे, तो टेन और वन में से कौन सा नंबर बिग है? टेन बिग है, तो आंसर भी, यानी आप चाहें तो प्लस लिख सकते हैं, बट अगर कोई साइन नहीं लिख रहे तो इट्स मीन इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ओके, देन सिक्स माइनस नाइन, इट्स ईजी, सिक्स में से नाइन को रिमूव किया, थ्री आ गया। बिग नंबर के साथ जो साइन होगा उसका साइन हम आंसर में पुट करेंगे, तो सिक्स और नाइन में से बड़ा नंबर नाइन है, आंसर में भी नंबर साइन नंबर नाइन का साइन पुट कर दिया, विच इज माइनस। किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो उससे पहले लगा हुआ होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर नंबर टेन का साइन क्या है? इससे पहले लगा हुआ है, इसके बाद वाला साइन दूसरे नंबर का साइन होगा, किसी भी नंबर का साइन उससे पहले लगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम एक्सरसाइज टू बी। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, और इसमें आप देख रहे हैं हमें तीन टर्म्स गिवन है, ठीक है? पीछे हमने दो दो नंबर्स को किया था, दो टर्म्स थी, बट इस एक्सप्रेशन में हमें तीन टर्म्स गिवन है, और हम उन तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहला रूल जो आपको पता है वो ये कि टू सॉल्व ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे साइन लिख रही हूँ, मगर अब आप लोग मुझे साइन बताएंगे, वीडियो को पोस्ट करें और वो चारों जो साइन मैंने आपको बताए थे वो मुझे बता दें, ठीक है? बिल्कुल, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस प्लस प्लस। ये देखिए आप लोगों ने मुझे साइन बताए हैं, वो मैंने लिखे हैं। अब आपको ये साइन 60% तक याद हो चुके हैं, बट जब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो ये साइन आपको 100% तक याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एज आई सेड के पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। सो दो ब्रैकेट्स हैं, एक साथ कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब हमारे पास थ्री टर्म्स आ गई, फोर में से सेवन, फोर माइनस सेवन प्लस थ्री। हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, फोर में से सेवन को रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा? थ्री। बड़े नंबर के साथ साइन आंसर में आएगा, तो फोर और सेवन में से बिग नंबर कौन सा है? सेवन, तो सेवन का साइन थ्री के साथ आ गया, विच इज़ नेगेटिव थ्री, देन प्लस थ्री एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो करें, पहले टू टर्म्स को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बारी। जैसे ये थ्री को अभी हमने नहीं छेड़ा, बल्कि ये अब नेगेटिव थ्री के साथ उतर आया, और अब हम नेगेटिव थ्री के साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे। माइनस प्लस, माइनस प्लस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, थ्री में से थ्री को रिमूव करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अब आप ये सोचेंगे कि साइन कौन सा लगाएं, तो बच्चों याद है ज़ीरो ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव, तो देयर इज़ नो साइन नीडेड, कोई साइन लगाने की नीड नहीं है। देन पार्ट बी, पार्ट बी में हमारे पास है नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फाइव प्लस नेगेटिव नाइन। थ्री टर्म्स हैं, पहले सॉल्व करें ब्रैकेट को, प्लस माइनस माइनस, ठीक है? माइनस थ्री, माइनस फाइव, माइनस नाइन। अब दो दो टर्म्स को कर लें, हम पहले स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, नेगेटिव थ्री और नेगेटिव फाइव, माइनस माइनस प्लस करते हैं, तो थ्री में फाइव को प्लस करेंगे, एट आ जाएगा। दोनों नेगेटिव नंबर थे, तो देखें ये आंसर भी किस में आया है? माइनस में ही आया, और माइनस नाइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब दो अगेन ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, हमने नाइन और एट को प्लस कर लिया, तो आंसर क्या आया? सेवनटीन। और दोनों नंबर नेगेटिव थे, तो आंसर भी किस में आ जाएगा? नेगेटिव में, विच इज़ नेगेटिव सेवनटीन। अब हम देखते हैं इसके पार्ट सी को। पार्ट सी में थ्री टर्म्स हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब हमारे पास थ्री टर्म्स आ गई, कोई डबल कहीं पे साइन नहीं है। अब हम फर्स्ट लेफ्ट साइड की फर्स्ट टू टर्म्स को कर लेते हैं, वन माइनस एट इक्वल्स टू माइनस सेवन, और प्लस एट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, सेवन में से एट को जब माइनस करेंगे वन आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आंसर में आएगा, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? एट है, एट के साथ किसका साइन है? प्लस का, तो आंसर भी किसका किस में आएगा? प्लस में ही आएगा, ठीक है? देन पार्ट डी, पार्ट डी में हमारे पास सेंटर में ब्रैकेट गिवन है, तो सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के पहले वाले साइन से। कोई भी बच्चा इस
इस साइन से, जो उसके बाद का साइन है ब्रैकेट का, उससे नहीं करेगा, ठीक है, पहले वाले से करना है। प्लस माइनस माइनस, अब सारी टर्म्स के साथ एक एक ही साइन हो गया। फर्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, माइनस माइनस प्लस, टू में वन प्लस करेंगे थ्री आ जाएगा। नेगेटिव थ्री क्यों आ रहा है ज़रा सोच के बताइए मुझे। यस आंसर इज़ राइट, क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव के थे तो आंसर भी नेगेटिव में आया। या तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, या सेकंड जस्टिफिकेशन इज़ दैट कि बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन आता है, तो टू बड़ा नंबर था तो जब हमने प्लस किया तो तब भी साइन इसका माइनस का ही रहा, क्योंकि टू के साथ किसका साइन था, माइनस का। देन सिक्स नीचे आ जाएगा। अब अगेन आप क्या देख रहे हैं, दोनों माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, थ्री में सिक्स प्लस किया नाइन, और आंसर में साइन क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन आ जाएगा, बिकॉज सिक्स इज अ बिग न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो हियर इज अ असाइनमेंट क्वेश्चन। सो हियर इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन। सो हियर इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फोर में आपको एडिशन का साइन सेंटर में दिख रहा है इन टर्म्स के, और क्वेश्चन फाइव का आपको किस में साइन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन दिख रहा है। आपको पता है जब नेगेटिव नंबर्स, दो नंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स नेगेटिव हो और सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। और वो रूल्स आपने 60% याद कर लिए हैं, और इस वीडियो के थ्रू जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे तो 40% याद हो जाएगा, और फिर आप 100% इस एक्सरसाइज में बिल्कुल चीते बन जाएंगे, ठीक है। सो डू दिस असाइनमेंट क्वेश्चन, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इस वीडियो के थ्रू हासिल की है उसको बिल्कुल महफूज कर सकें। सो गुड लक फॉर योर असाइनमेंट।